આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે. જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર. સુરત શહેરના આંગણે કાઇટ ફેસ્ટિવલ અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી. સુરત શહેરના સિટી લાઇટ રોડ સ્થિત એક્વેરિયન્સ બ્રાઇડલના ઓનર ડોક્ટર હિનાબેન મોદી અને અમદાવાદના પ્રેસિડેન્ટ ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સના હેતલબેન બંને સાથે મળીને સુરતમાં ઉત્તરાયણનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલ, જેમાં ઓર્ગેનિક ગોળની ગોલ્ડ અને સિલ્વર ગોળની ચિક્કી બનાવવામાં આવેલ, સાથે પતંગના ચીઝબોલવાળી સાડી અને જેન્ટ્સવેર દુપટ્ટા રાખવામાં આવેલ હતા. તેમજ 200 મહિલાઓને સાડી ગિફ્ટ આપેલ અને બહેનોને રોજગારી આપેલ. આ કાર્યક્રમમાં જુવલીક નારિયા સુરતથી મનીષ કારવા તથા પારસ પટેલ અને અમીન કિનેરિયા અને હિનાબેન મોદી સાથે જોડાયા હતા. જ્યારે ગુજરાતીઓ માટે એક પર તહેવાર ખાલી ન જતો હોય ત્યારે સુરત શહેરની મહિલા હિનાબેન મોદી દ્વારા આજે કાઇટ ફેસ્ટિવલની અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જ્યારે વાત કરીએ કાઇટ ફેસ્ટિવલમાં અલગ અલગ એનજીઓ સંસ્થાની બહેનો સાથે મળીને એક અલગ જ રીતે કાઇટ ફેસ્ટિવલની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. જેમાં વાત કરીએ તો બહેનો દ્વારા પતંગની ડિઝાઇનવાળી સાડી તેમજ આવનારી ફેશનેબલ ડ્રેસ સિલ્વર ગોલ્ડ ચિક્કી બનાવી અને કંઈક અલગ જ પ્રકારે આ કાઇટ ફેસ્ટિવલની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભાવેશ કાત્રોડિયા आज अब देख रहे हो कि गुजरात के अंदर फेस्टिवल यानी कि एक अनोखा त्यौहार रहता है, अनेराई त्यौहार रहता है जो फेस्टिवल में अभी आ रहा है. काइट फेस्टिवल यानी कि गुजराती में बात करें तो गुजराती के अंदर पतंगो महोत्सव कहलाता है. और अभी के लोग काइट फेस्टिवल के अलग अलग तरह से डिजाइनर चिक्की, डिजाइनर साड़ी वगैरह, अलग अलग डिजाइनर फाउंडेशन काम कर रहे हैं. तो आज ऐसे ही एक एनजीओ को मिलते हैं और बातचीत करते हैं. आज जो काइट फेस्टिवल आज का जो अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आए हैं मोदी जी, हिना मोदी करके. आज मिलते हैं और बातचीत करते हैं हिना मोदी जी से. और आज का जो इवेंट है वो इवेंट एकदम से सबसे अलग ही बनाया गया है. वो इवेंट के तौर पर आज बात करेंगे हिना मोदी जी से. अजी मैडम, जो आपने आज इवेंट किया है वो इवेंट की पूरी डिटेल हमारे दर्शक मित्रों को. नमस्ते, डिजाइन के आगे है उत्तरांचल के अंदर लोग फेस्टिवल करते हैं काइट्स को लेके. तो एज अ डिजाइनर मैंने कॉन्सेप्ट साड़ीज इन स्टोल पे लिया है कि पीपल कैन एंजॉय. जो काइट फ्लाई नहीं कर सकते लेकिन वो एंजॉय भी कर सकते हैं फेस्टिवल. और चीकी का इसमें हम लोग ने ये मेन 50 पीपल को लेके थोड़ा सा उनको उद्योग मिल जाए और लाइक वर्किंग के लिए हम लोग ने मेरा नाम हितल अमीन है. और आप जो अहमदाबाद से यहाँ सूरत की मेहमान हुई है, तो ये जो कौन सा फंक्शन है और आप किस तरह से आप फंक्शन में इनवाइट हुई? डॉक्टर हिना मोदी जी का कंसेप्ट था एक चीकी का. और एसोसिएट हम अहमदाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स वेलफेयर फाउंडेशन की सब वुमेन्स हुई है, उनसे 50 महीनों को रोजगारी प्राप्त हुई है. 200 केजीज जितना हम बॉक्सेस का उनको ऑर्डर किया है. और अहमदाबाद और सूरत दोनों को मर्ज करके फिर बिजनेस में रोजगारी देने का फुल ट्राई किया है हम लोगों ने. और आगे बहनों के लिए आपका किस तरह से कॉन्सेप्ट रहेगा? जैसे इंडिया पूरा फेस्टिवल के लिए जाना जाता है, पूरे साल हम फेस्टिवल एंजॉय करके एक ऊर्जा नई प्राप्त करते हैं. लेकिन आप वैश्विक जो महामारी है कोरोना के हिसाब से जो मार्केट में थोड़ा सा ऐसा ठंडा सा हो गया है, तो हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट जैसे डॉक्टर हिना मोदी जी लाए हैं, तो ऐसा कुछ हम नया करके बहनों के लिए अच्छे से अच्छी रोजगारी देने का फुल प्रयास करेंगे. और अभी के समय में जो आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर महिला जैसा हमारे मोदी जी और विजय रूपाणी जी ने प्रोग्राम रखा है, तो उसकी दिशा में आपके एनजीओ को किस तरह से मदद मिल रही है? गवर्नमेंट से बहुत अच्छा सा बेनिफिट जब से मोदी जी आए हैं तब से मिल रहा है.
एक्चुअली कल ही गांधी सिल्क बाजार अहमदाबाद में हमने स्टार्ट किया है। 150 आर्टिजन ऑल ओवर इंडिया से वहां पे आए, जो हैंडमेड है, हैंड वोवन आइटम बनाते, स्टेट वाइज सब आर्टिजन है। और सूरत तो टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है और अहमदाबाद क्राफ्ट के लिए, तो हम लोग अहमदाबाद और सूरत को मर्ज करके अच्छा सा बिजनेस वर्ल्ड वाइज आत्मनिर्भर बहनों को बनाएंगे। और अहमदाबाद सूरत जो फर्स्ट टाइम डॉक्टर हिना मोदी जी ने अच्छा सा कंसेप्ट लाया है, तो हम अहमदाबाद से यहाँ उत्तरायण का रियली में ऐसे काइट फेस्टिवल का जो इंटरेस्ट था, तो हमको लगा कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल तो अहमदाबाद में नहीं हुआ, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो यहाँ पूरा हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। उनका फ्रेंड सर्कल हमको अच्छे से वार्म वेलकम किया है, और जो अच्छे से उन्होंने जो समाज के लिए कर रहे हैं, तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। और आज ही गुजरात के अंदर भूपेंद्र जी शिक्षण के लिए शुरू कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जो बच्चों के लिए अभी शिक्षा की व्यवस्था काफी टाइम से बंद थी, तो अभी चालू होने जा रही है, तो वो जो कोरोना के समय पे कैसा लगेगा? आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। मेरे हिसाब से वही जवाब है कि गवर्नमेंट को फोर्सेबल नहीं बोला है कि पेरेंट्स की अगर इच्छा हो तो अपने बच्चे को भेज सकते, लेकिन 10th और 12th जो दोनों को स्टडी के लिए अगर हम देखें तो पूरा ऐसे अभी बच्चे लोग 10th और 12th के बहुत ही स्मार्ट लोग बच्चे होते, तो अपने पेरेंट्स और स्कूल दोनों ध्यान रख रहे हैं, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही स्कूल में भी ऐसे सैनिटाइज से लेके सोशल डिस्टेंस का की पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो गवर्नमेंट भी अलर्ट है। तो अपने जो इंडिया में कोरोना के हिसाब से जो हमको मींस के सेवा मिली, आई थिंक वर्ल्ड में कहीं नहीं मिली, इसीलिए वर्ल्ड में मोदी जी नंबर वन गिने गए हैं। तो आज आप कोरोना के हिसाब से हमारे दर्शक मित्रों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम फ्रेंड्स को वही बोलेंगे, हम अहमदाबाद से इधर आए हैं, तो एक मैसेज जरूर हम देंगे। तो सूरत वासी तो बहुत वर्ल्ड फेमस है अपने खाने पीने के शौक से, टेक्सटाइल्स से, हीरा बाजार से, सब जगह सूरत वासी का नाम ही है। तो हम उनको बोलेंगे कि अगर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से अगर काइट फेस्टिवल अपने छत पे अगर फैमिली के मेंबर्स के साथ ही हम लोग सेलिब्रेट करें तो बहुत अच्छा है। मास्क जरूर पहनेगा, सोशल डिस्टेंस, और जो 16th के बाद वो जो कोरोना की रस्सी है तो जरूर ले वो। जो अभी काइट फेस्टिवल होने जा रहा है, जो काइट फेस्टिवल का जो त्यौहार है, वो त्यौहार अब कोरोना के हिसाब से किस तरह से मनाते हो, और आगे मनाने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस चाहिए? वो गाइडलाइंस की एक अलग ही एनजीओ की ओर से बताया गया है, और गवर्नमेंट गाइडलाइंस के रूल से हिसाब से आप काइट फेस्टिवल मनाए। अच्छी मैडम, आपका नाम? छाया परमार। जर मैडम, आज आप फैशन डिजाइनर तरीके सूरत में आया छो, तो सूरत में सौथी पहला तो आपनो मोस्ट वेलकम छे। थैंक यू सो मच। अने जरे आजना फंक्शन ने अंदर बे शब्द जणावो छो, आप इनवाइट थई नहीं आया? अच्छा, एक्चुअली अमारा मैडम छे हेतल अमोल, कल्याणी महिला साहसिक विकास तरफथी अमे लोको अहींया आव्या छे, अने अहींयाना जे मैडम छे अमने जेमणे इनवाइट कर्या छे हिना मोदी जी, एमणे अमने बहु शोर्ट पीरियड में बहुत सरस एक इवेंट छे ए रीतनु जणाव्यु, अने अमे बहु ज अर्जन्सी में जेम के अमने एक बी केमरे साइन कर्यो, एना परथी अमारथी जेटलू बनतु हतुं एटलू क्राफ्ट लेवल ने अमे काइट्स में ए बधा में ज सरस रीते जेटलू बनी शके एटलू डिजाइनर पीस तैयार कर्यो छे, अने अहींया अमे आव्या छे अने सूरत में आटलो सरस क्राउड छे, अने पहला तो थैंक यू सो मच, बहु ज सरस क्राउड छे अहींया, अने अमे लोको ने बहु सरस रीते ए लोको ए वेलकम कर्या छे, प्लस जे रीतनी डिजिटल साड़ी से ए लोको ए बनावी छे बहु शोर्ट पीरियड में, अने साथे अमने जे रीते गाइडलाइन्स आपी, तो अमे वेस्ट माथी आ टाइप ना अमारा आउटफिट बनाव्या छे, सो अमेजिंग, अमने लोको ने बहु ज खुशी थाय छे के अमे जे विचारी ने आव्या हता एना करता इवेंट चाली रही छे। जी मैडम, आपनुं नाम? अर्चना सोनी, फैशन डिजाइनर। અને આપ અત્યારે અમદાવાદથી પધાર્યા છો, તો આજે કાઇટ ફેસ્ટિવલ વિશે સુરતીવાસીઓ માટે અને આપનો આજનો ખાસ તો પ્રસંગ વિશે જણાવશો? આજે અમે કાઇટ ફેસ્ટિવલ એટેન્ડ કરવા આવ્યા છે કે જે અત્યારે કોરોના લીધે અમદાવાદમાં એવું શક્ય નથી કે એટલા ગવર્નમેન્ટની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે અત્યારે શક્ય નથી, તો અમે એ જ વસ્તુ અહીંયા સુરતમાં આવ્યા છે, અને સુરતમાં અમે કાઇટ ફેસ્ટિવલ અત્યારે ફૂલ એન્જોય કરી રહ્યા છે, અને સાથે સાથે ક્રાફ્ટ સાથે પણ અમે જોડાયેલા છે, રિપ્રેઝન્ટિંગ સાથે અમે જોડાયા છે કે અમારું ક્રાફ્ટ એટલે ડિઝાઇનર છું એટલે અલગ અલગ ક્રાફ્ટની વસ્તુ પણ અમે બનાવી રહ્યા છીએ, કે બ્લાઉઝમાં અમે અત્યારે બધા કાઇટ્સ લગાવ્યા છે, જયારે તમે આજે ફેશન ડિઝાઇનર તરીકે છો, તો જયારે આવનારી
पेढ़ी है यानी कि आवनारा जे यंगर्स है એમના માટે શું નવીન ફેશનમાં લઈને આવવાના પ્લાનમાં ફેશન ફેશન એવી વસ્તુ છે કે ફેશનમાં અલગ અલગ રોજ ફેશન આવે છે પણ તમને કઈ કમ્ફર્ટેબલ છે તમે સેમાં સારા દેખાવ છો ફેશન રોજ આવશે પણ તમે સેમાં કમ્ફર્ટેબલ છો અને તમને શું ગમે છે એ ઉપર તમે ધ્યાન રાખો ફેશન પર ના રાખો તમે પોતાને પહેર્યા પછી તમને એવું લાગે હું બેસ્ટ છું આમાં આ કમ્ફર્ટેબલ છું પૂરો દિવસ આ ફેશન પહેર્યા પછી એ સૌથી બેસ્ટ ફેશન પોતાના માટે आज हम लोग ने काइट को उत्तरायण को ध्यान में रखते हुए हम लोग लास्ट 10 डेज से चिकी फेस्टिवल कर रहे हैं एंड पीपल आर मेकिंग ऑर्गेनिक चिकी जिसमें 50 वुमेन्स काम कर रहे हैं और ये हेतल अमीन जी है फ्रॉम अहमदाबाद प्रेसिडेंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड शी इज रनिंग शी इज कनेक्टेड टू लॉट ऑफ एनजीओस एंड शी इज हेल्पिंग विद अस एक्चुअली इसमें जिसको जिसको हम लोग ने काम दिया उनको तो फायदा हो ही गया है प्लस हम लोग का मेन एक मैसेज है पब्लिक को कि अगर कोई इंसान काइट फ्लाई करके एंजॉय नहीं कर सकता तो पहन के भी एंजॉय कर सकता है दिस इज द मैसेज टू मी